वेलकम टू माय गोल्डन किचन। आज हम सब्जी में अरवी बैंगन बना रहे हैं। इसके लिए हमने हाफ के जी बैंगन लिया है, उसे हमने काट कर छील कर इसे हमने पानी में भिगो दिया ताकि ये काले ना हो जाए। एक बैंगन हमने छिलकों वाला डाला है क्योंकि छिलकों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इधर हमने 250 ग्राम पाव के करीब अरवी ली है और इसे हमने धोकर और नमक लगा कर धो लिया अच्छी तरह। और तीन अदर टमाटर हमने बड़े लिए, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, हाफ कप ऑयल है और हरा धनिया और हरी मिर्च जाएगी इसमें, और एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। तो चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस हमने ऑन कर ली है, ये ऑयल इसमें हम डाल देते हैं। इसे ज़रा हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं एक मिनट के लिए। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया और हम ये अरवी जो है इसमें डालकर हम इसे लाइट गोल्डन करेंगे, फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। ये हमें 4-5 मिनट हो गए चमचा लगातार चलाते हुए और ये गोल्डन लाइट गोल्डन हो गई है, ये देखें। और इसे आपने हल्की आंच करके तो निकाल लेनी है। अब ये ऑयल जो है ये गर्म है और बिल्कुल हल्की आंच आपने रखनी है और ये टमाटर का पेस्ट डाल देना और ये नमक मिर्च और हल्दी डाल देनी है और इसे आपने कंचा लगातार चलाते हुए भूनना है। आपने फ्लेम जो है वो ज़रा दरमियानी कर लेनी है, ज़रा तेज़ थोड़ी सी, और इसे आपने अच्छी तरह भूनना है कि जो ऑयल है वो अलग हो जाए। इसमें कोई प्याज वगैरह या लहसुन वगैरह अदरक कुछ नहीं जाता, सिर्फ ये टमाटर के साथ ही बनते हैं तो बहुत अच्छे ये टेस्टी बनते हैं। ये ऑयल जो अच्छे से बाहर आ गया है और नमक भी जो डाली थी वो अच्छी तरह भून गई है। अब ये जो हमने बैंगन काट के रखे हैं ये हम इसमें डाल देंगे और इसे आपने तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ऐसे लगातार चमचा चलाते हुए भूनना है। ये अच्छी तरह इसमें मसाले मिक्स हो गए हैं बैंगन में और ये पक रहे हैं। अब ये जो अरवी है ये हमने इसमें डाल देनी है जो हमने फ्राई की थी, और तकरीबन हाफ कप के करीब हमने पानी डाल देना है ताकि ये अरवी और बैंगन जो है वो ज़रा थोड़े गल जाए। और इसे हमने ढककर दरमियानी आँच पर इसे थोड़ा सा कम हमने इसे पकाना है और इसे हम ढक लेंगे और फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। चले जी चेक करते हैं, 22 मिनट हो गए हैं तकरीबन। और ये हरी मिर्च हमने डाल देनी है और ये देखें, अगर आपने इस तरह खड़े खड़े रखने हैं बैंगन, ये देखें तो इस तरह रख ले, अगर आपने घुले हुए मेल्ट खाते हैं, बच्चे मेरे जो है वो घुले हुए खाते हैं, तो फिर मैं इसको चम्मच की मदद से ऐसे मैश कर देती हूँ। और हम अरवी चेक कर लेते हैं कि अरवी गल गई है, अरवी अच्छे से गल गई है और अब इसे हमने हरी मिर्च डाल दी है और इसे अच्छी तरह हमने भूनना है ताकि इसमें थोड़ा सा अगर पानी वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाए। और ये हरा धनिया हमने रखा है इसको भी हम साथ में डाल देते हैं। ये हरा धनिया और हरी मिर्च हमने डाल दी है और इसे अच्छी से मिक्स कर दिया है और ये रेडी हो गया और हम इसे डिश अप करते हैं। अरवी बैंगन की डिश बनकर रेडी है। आप लीमू निचोड़ कर तो खाएं, तंदूर की रोटी के साथ, चावलों के साथ बहुत टेस्टी लगता है। और प्लीज़ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट दीजिए। शुक्रिया।